देखिए एमपी में कोरोना का ब्रेक फेल हो गया है। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसकी रफ्तार इस कदर कातिल हो चली है कि तैयारियां छोटी पड़ गई हैं। हालात इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार और जिम्मेदार एजेंसियां युद्ध स्तर पर अब आ रही हैं। उम्मीद है कि इससे पॉजिटिव नतीजे जल्द सामने आएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में कोरोना की घातक रफ्तार जारी है। यहां रोजाना रिकॉर्ड को तोड़ते नए मामलों के आने का सिलसिला जारी है। ऑक्सीजन की किल्लत और बढ़ते मामलों के बोझ से मध्य प्रदेश कराह रहा है। सरकार की तैयारियों से कोरोना की रफ्तार ज्यादा तेज नजर आ रही है। ऐसे में इसके कहर से आम और खास दोनों त्राहिमाम कर रहे हैं। कोरोना की चपेट में आने वाली विधायक कलावती भूरिया का निधन हो गया, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक जताया कि प्रदेश के जोबट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक श्रीमती कलावती भूरिया जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार मिला। वे आम जन के हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहने वाली मिलनसार व मृदुभाषी विधायक थीं। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को संबल दे। विनम्र श्रद्धांजलि। कोरोना जानलेवा होता जा रहा है, हालांकि इससे सरकार डटकर मुकाबला करने में जुटी है। सरकार का सहयोग करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडरों को रखने वाली एजेंसियां भी मानव धर्म में आगे आ गई हैं। हम बात करेंगे सर, अभी किस तरह से खपत बढ़ गई है, लगातार जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह से डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे मार्केट के हेतु हिसाब से डिमांड हो रही है, अस्पताल वाले ज्यादा जहाँ दे नहीं पा रहे तो वो यहाँ बेचते पार्टियों को, हिसाब से डिमांड ज्यादा हो गई है। यानी कि जो हॉस्पिटल से नहीं हो पा रहा है, हॉस्पिटल वाले अगर यहाँ वाले देख के भेजते तो आप यहाँ से उनको सिलेंडर ये अवेलेबल करा देते हैं। अवेलेबल हमारे पास जो होते हैं उतने दे देते हैं, जैसे हम हमारे खुद के सिलेंडर रहते हैं, हम कंपनी से भरवा के इन लोगों को डिपॉजिट भी दे देते हैं सिलेंडर। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं से जो मदद है लोगों की वो की जा रही है। आप भी यहाँ सिलेंडर लेने जी? मैं भी आया हूँ। कौन एडमिट है आपका? मेरी रियल भाभी जी एडमिट है और अपना चिराग हॉस्पिटल में एडमिट है और इतनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं पूरी एजेंसी वाले। अब अस्पताल में ये है कि अपन हम लोग भर्ती करने जाते हैं, अस्पताल कहना है कि आप पहले सिलेंडर की व्यवस्था कीजिए, इसके बाद आपको एडमिट करेंगे। हालांकि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन जो एजेंसियाँ जहाँ भी जितनी वो भरसक प्रयास कर रही है कि सभी तक सिलेंडर पहुँचे। इस सहयोग की जितनी भी सराहना की जाए कम है। ग्वालियर में भी लगातार ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। ऐसे में मानव धर्म का पालन करने वाली एजेंसियों को सरकार के नुमाइंदे भी खुद पहुँच कर सलाम कर रहे हैं। फैक्ट्री में खड़ा हूं और मैं वहां के मैनेजमेंट को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने आज जो है ऑक्सीजन हमारे जिस कोरोना वायरस पीड़ित को जरूरत है उसके लिए देने की प्राणवायु देने का काम शुरू किया है। मैं उसके लिए उनको प्रणाम करता हूं और ये मध्य प्रदेश की सरकार इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राजधानी भोपाल के हाल बेहाल है। हालत ये है कि अब अस्पतालों में बिस्तर की कमी परेशान कर रही है। ऐसे में भोपाल रेल मंडल की एक पहल सामने निकल कर आई है। भोपाल स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन को आइसोलेशन कोच के रूप में तब्दील किया गया है। राजधानी भोपाल में या फिर कहीं पर भी आपने ट्रेनों में सफर जरूर किया होगा, लेकिन इस बार आपको राजधानी भोपाल के स्टेशन पर अलग नजारा देखने को मिलेगा। ये आप ट्रेन को देख सकते हैं जिसके बाहर आप देखेंगे कि कूलर है, COVID-19 आइसोलेशन कोच इसको नाम दिया गया है। और यहाँ पर मेडिकल का जो स्टाफ है वो सामने आपको नजर आएगा, जो कि एक मेडिकल का स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है बेड की बिस्तरों की। और ऐसे में जब अस्पतालों में बिस्तर कम हो गए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे का सहारा लिया गया है और इस कोच को आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ ट्रेनों के जो सीट होती हैं उस सीट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिस्तर बनाया गया है। ये तस्वीरें उम्मीद जगाने वाली हैं। कोरोना के कहर के बीच इन तस्वीरों से आम आदमी को भरोसा होता है कि सरकार आम जनता के दर्द को समझ रही है, उसकी कोशिशें जारी हैं। फिलहाल भले ही तैयारियों से कोरोना की रफ्तार तेज है, लेकिन जल्द ही हम कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने में कामयाब हो पाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।